Let's start with the degrees of elasticity of demand. First degree, which we had started with, is unitary elastic demand. कौन सी कमोडिटी की डिमांड यूनिटरी इलास्टिक होती है? उस कमोडिटी की डिमांड यूनिटरी इलास्टिक होती है जिसके केस में जो डिमांड में चेंज आ रहा है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. Right, a commodity is said to have unitary elastic demand if with proportionate change in price there is equiproportionate change in demand. That is, if price of the commodity say falls by 10%, as a result its demand rises by 20%, then this commodity is said to have unitary elastic demand. Likh lo, for example, if with 20% fall in price of the commodity, if with 20% fall in the price of the commodity, its demand rises by 20%. Don't do this. Its demand rises by 20%, commodity is said to have unitary elastic demand. अब इस केस में इसका कोफिशिएंट देखते हैं क्या होगा. कैसे पता चलेगा कि कमोडिटी की डिमांड यूनिटरी इलास्टिक है, ग्रेटर देन यूनिटरी है, लेस देन यूनिटरी है, इन इलास्टिक है या परफेक्टली इलास्टिक है? कैसे पता चलेगा? फॉर्मूला में उसकी वैल्यूज पुट करके. क्या होता है ईडी? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. मैं हमेशा शॉर्ट फॉर्म में ऐसे यूज करूंगी. परसेंटेज का सिंबल सी क्यू डी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सो हाउ मच इज द चेंज इन प्राइस? एज अ रिजल्ट डिमांड चेंजेस बाय, यहां पे मैं साइन इग्नोर कर रही हूं. क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे वर्ड लिखा है चेंज. चेंज कुड बी पॉजिटिव, चेंज कुड बी नेगेटिव. ठीक है, कम्स आउट टू बी विच इज इक्वल टू यूनिटी. सो दिस कमोडिटी इज हैविंग यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. ठीक है, ये आपको कॉफिशियंट से पता चल गया. अब लेट अस से मैंने आपको किसी कमोडिटी का डिमांड कर्व दे दिया और मैंने कहा बताओ इसकी डिमांड इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक है या परफेक्टली इलास्टिक. उससे आप जान सकते हैं, उससे भी हम जान सकते हैं. ठीक है, ऐसी कमोडिटी जिसका जिसकी डिमांड यूनिटरी इलास्टिक है उसका डिमांड कर्व पहली बात होगा नेगेटिवली स्लोप. शुड इट बी नेगेटिवली स्लोप्ड और नॉट? नेगेटिव स्लोप होगा क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट नहीं कर रहा, वो सिर्फ उसको एक्सटेंड कर रहा है. प्राइस और डिमांड में रिलेशन नेगेटिव ही है. प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़नी ही है, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम ही होनी है. इन दिस केस चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड बट द चेंज विल अकर इन ऑपोजिट डायरेक्शन ओनली. ठीक है, तो डिमांड कम नेगेटिवली स्लोप्ड ही होगा लेकिन उस केस में इसकी जो स्लोप है वो कैसी होगी? सो आप मेरे साथ बना लीजिए इसको. Here we are taking quantity demanded, here we are taking price. ठीक है, तो आप ऐसे कीजिए, आपकी जो lined notebook है एक point पहली line पे ले लो, दूसरा point दूसरी line पे ले लो. Yes Nalin, you made to draw it बेटे, why are you hesitating? So this is OP. When price is OP, आप इसको एक rectangle बना लीजिए. ठीक है, OM. After that,
आपको एक पॉइंट यहां लगाना है M1, वो कैसे लगाना है, जितना डिस्टेंस ये है उतने डिस्टेंस पे ये पॉइंट लगा लेना, ये जितना डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर से यहां पे M, मतलब M M1 should be equal to P P1, ऐसे ध्यान रखो, यही हमने प्रूव करना है ना, M M1 is equal to P P1, change in demand is equal to change in price. अब आप P1 और M1 को मिला दीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, दो पॉइंट्स आ गए आपके पास, लेट दिस बी ए दिस बी बी, जॉइन ए एंड बी एंड एक्सटेंड देम लिटिल बिट फर्दर towards both the ends, you get a demand curve DD. ये बिल्कुल symmetrical demand curve बनेगा, ठीक है, symmetrical का मतलब ना ये ज्यादा flat है ना ये ज्यादा steep है, ये equidistant है दोनों axis से. अगर मैं इसको मिला देती हूं, मिलाऊंगी नहीं, मिलता नहीं है, लेकिन अगर इसको हम डॉटेड लाइन से मिला दें तो दिस वुड बी इक्वल टू दिस, ठीक है, दिस डिमांड कर्व शोज दैट द कमोडिटी इज हैविंग यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. कैसे पता चला, हियर व्हेन द प्राइस राइजेस फ्रॉम पी टू पी वन डिमांड फॉल्स फ्रॉम ओ एम टू ओ एम वन. How much is the rise in price? बोलो बेटे, how much is the rise in price? PP1, पहले price इतना था, अब price इतना हो गया. How much is rise in price? बोल दो PP1, तो ठीक है, डर क्यों रहे हो? As a result, demand which was earlier OM now falls to OM1, which means how much is the fall in demand? MM1, is MM1 equal to PP1 or not? Yes. What is MM1? Change in demand. What is PP1? So when change in demand is equal to change in price, commodities set to have, excuse me, unitary इलास्टिक डिमांड, ठीक है, तो ऐसा जो कर्व होगा इसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व. दिस इज अ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व, राइट. हैव यू ड्रॉन, दीपक के आगे जो बच्चा बैठा है, बेटे ड्रॉ कर लिए, और बैठो, सीधा बैठो, क्लियर, आगे चलें. अब आपको एक बात पता चली, जब डिमांड यूनिटरी इलास्टिक होती है उसका कॉफिशियंट क्या होता है, यूनिटी. डिमांड कर्व कैसा होता है, नेगेटिवली स्लोप इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ दी एक्सिस. होती क्या यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, व्हेन चेंज इन प्राइस इज फॉलोड बाय इक्वी प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड. जितना प्रेशर दिया उतना वॉल्यूम बढ़ गया, साइंस में करते हो ना प्रैक्टिकल्स, ठीक है. सो दिस इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिग्री, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ग्रेटर देन सेकंड डिग्री इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. A commodity is said to have greater than unitary elastic demand when with proportionate change in price there is more than proportionate change in demand. A commodity is said to have greater than unitary elastic demand when with proportionate change in price there is
more than proportionate change in demand. You can write it in this way. Percentage change in demand is greater than percentage change in price. Pen ka price 20% kam hua. Likh lo, for example, if price of pen falls by 20%, as a result, demand rises by 40%. आप उलट भी लिख सकते हो, if price rises by 20%, demand falls by 40%. किसी भी तरह से लिख लो, दोनों तरह से ठीक है, चेंज है. चेंज तो नेगेटिव में ही होना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होना है. कमोडिटी सेट टू हैव ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ द डिमांड इन दिस केस. अगेन सेम फॉर्मूला. क्या है फॉर्मूला ईडी का? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन, ठीक है, तो प्राइस में कितना चेंज आया, डिमांड में आंसर कितना आया, 2 इज ग्रेटर देन. तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. अब ये नाम बहुत बड़ा है, बच्चे कहते हैं बड़े नाम से, अब यहाँ प्यार से हमने एक छोटा नाम भी रखना होता है ना. इतना बड़ा नाम आपको एग्जाम्स में भी लिखते लिखते थक जाओगे. वैसे तो आप बोलोगे मैम आपने ही लिखना है एमसीक्यू में, हमने तो टिक्की करने हैं, है ना. चलो, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक नाम डिमांड का एक निक नेम डाल देते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. अब ये भी नहीं बात बनी, ये भी थोड़ा बड़ा नाम है, फिर क्या करें अब, और एक प्यार का नाम डाल दे. जितना निक नेम प्यार से बुलाते उतना छोटा नाम होता है वो, तो हम इलास्टिक डिमांड बोल देते हैं. इलास्टिक डिमांड, किसी भी कमोडिटी की डिमांड इलास्टिक कब मानी जाती है, जब जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज आए डिमांड में उससे ज्यादा परसेंटेज चेंज. नाम से ही देख लो इलास्टिक है डिमांड, मतलब डिमांड में काफी चेंज आ रहा है, प्राइस में कम चेंज है, डिमांड में ज्यादा चेंज है, तो उसको बोल दिया ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक. ये नाम क्यों डाला, क्योंकि कॉफिशियंट 1 से ज्यादा आया, ठीक है. तो लेकिन इसको थोड़ा सा शॉर्टर वर्जन रिलेटिवली इलास्टिक और शॉर्टर वर्जन इलास्टिक, मतलब व्हेन आई रेफर टू इलास्टिक डिमांड आई एम रेफरिंग टू ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है. आ गया समझ? अगर मैं बोलूं ये चौक की डिमांड इलास्टिक है तो बताओ इसका कॉफिशियंट क्या होना चाहिए. इसकी डिमांड इलास्टिक है ग्रेटर देन 1, 2, 3, 4, 5, जितना ज्यादा कॉफिशियंट होगा उतनी इलास्टिक है ना. अगर इसकी डिमांड, इसकी ईडी 1 है तो इसका क्या नाम देंगे, यूनिटरी इलास्टिक. ग्रेटर देन 1 है तो इलास्टिक, या रिलेटिवली इलास्टिक, या ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक. ऑल थ्री इंप्लाय सेम थिंग, व्हाट, दैट ईडी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है. एग्जाम्पल दे दी इसकी हमने, कॉफिशियंट लिख लिया. अब हम क्या जानने में इंटरेस्टेड है, अगर ये चौक की डिमांड इलास्टिक है तो इसका डिमांड कर्व कैसा होना चाहिए. पहली बात, नेगेटिवली स्लोप्ड होगा ही होगा, क्योंकि प्राइस और डिमांड में रिलेशनशिप नेगेटिव है, वो हम डिनाय नहीं कर सकते. अब ये था हमारा यूनिटरी इलास्टिक का, जो ये वाला डिमांड कर्व होगा. लेट्स सी, हम खुद बनाते हैं. You make it with me. Again, हम दो lines है हमारे पास, पहले पे OP ले लिया, दूसरी line पे OP 1 ले लिया, ठीक है.
बनाओ बेटे, साथ साथ बनाओगे समझ आएगा, जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा फिर नहीं उतार सकते आप। लिया अब M1 कहीं भी ले लो, थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा ले लोगे तो बेटर है। M X एक्सिस पर M लेना है, P और M को ज्वाइन कर दो। At price OP, demand for the commodity is OM, ठीक है। अब M1 पॉइंट लेना है हमने, लास्ट टाइम हमने मेजर करके लिया था, इसको इसके बराबर मेजर नहीं करने की जरूरत, बस ये देखो कि ये जो डिफरेंस लेना है ये पी पी वन से ज्यादा होना चाहिए, मतलब काफी पीछे कर दो, ठीक है। आप देखो इधर ये पी पी वन है, ये एम एम वन है, ज्यादा है या नहीं है, ज्वाइन कर दो। बी नाम दे, ठीक है, ए और बी को ज्वाइन कर दो, एक्सटेंड कर दो, स्ट्रेट लाइन ही रखना है। डी डी, कैन यू सी द डिफरेंस अमंगस्ट बिटवीन दीज टू डिमांड कर्व्स, क्या फर्क है दोनों? ये ज्यादा फ्लैट है, ठीक है, स्लोप कम है, ओके ज्यादा है, ठीक है, चेंज ज्यादा आ रहा है इन दिस वेरिएबल एज रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल, इट इज फ्लैट, ठीक है, डिमांड में चेंज ज्यादा है ना, तो डिमांड की तरफ ज्यादा डिफरेंस है इसका, आप सिर्फ इतना समझे कि फ्लैट है, फ्लैटर डिमांड कब इंप्लाइज इलास्टिक डिमांड, फ्लैटर डिमांड कब इंप्लाइज इलास्टिक डिमांड, सो इस कर्व को क्या कहेंगे, इलास्टिक डिमांड कर्व, मेरी तरफ से पूरा नाम लिखना है पूरा लिख लो, मैंने निकनेम लिख दिया, आप चाहो तो रिलेटिवली इलास्टिक लिख दो, आप चाहो तो ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड लिख दो, फर्क पता चला दोनों डिमांड कर्व्स में? अगर मैं आपको बोलूं उस कमोडिटी का डिमांड कर्व ड्रॉ करो जिसकी डिमांड इलास्टिक है तो ये ऐसा होना चाहिए, अगर मैं बोलूं डिमांड कर्व ड्रॉ करो उस कमोडिटी का जिसकी डिमांड यूनिटरी इलास्टिक नहीं इलास्टिक है तो इट शुड बी फ्लैट। नेक्स्ट टाइम जब आप बनाएंगे तो आप बिना अंदाजे से बना लेना है, आपने ऐसे बनाना है फ्लैट ये, तो उस केस में फिर बाद में कोई भी पॉइंट ले लो वो ऑटोमेटिकली ये शो करेगा दैट चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, अगर फ्लैट बनाओगे। यहाँ पे तो मैंने पॉइंट्स को ज्वाइन करवाया ना, आप चाहो तो डिमांड को पहले भी बना सकते क्योंकि अब आपको आइडिया हो गया कि फ्लैट होता है ग्रेटर देन यूनिट, ठीक है। आगे चलें, थर्ड कौन सी डिग्री है अब, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड करते हैं फिर, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, अब ये भी नाम बहुत बड़ा है तो क्या नाम दे दें इसको, आप बताओ, आपको प्रिविलेज दे दी मैंने, इसका नामकरण कर दो, रिलेटिवली इन इलास्टिक और इन इलास्टिक, सिंपली इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक, रिलेटिवली, क्लियर है बेटे, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड और इन इलास्टिक डिमांड, अ कमोडिटी सेट टू हैव रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, अ कमोडिटी इज सेट टू हैव रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड व्हेन with proportionate change in price
देयर इज लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड. देयर इज लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड. दैट इज ये लिख लो परसेंटेज चेंज इन डिमांड लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. फॉर एग्जाम्पल इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स बाय 40%, प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स बाय 40%, एज अ रिजल्ट इट्स डिमांड राइजेज ओनली बाय 20%. ये कौन सा केस होगा? ये नहीं लगा. प्राइस में इतना चेंज आ गया, डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिवली इन इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड. और लेस देन क्यों बोलेंगे? क्योंकि जब हमने ईडी के फॉर्मूला में इसको डाला तो देखो हाउ मच इज चेंज इन प्राइस 40, एज अ रिजल्ट डिमांड चेंजेस ओनली बाय 20%. सो कॉफिशियंट ऑफ ईडी 1/2, दिस इज लेस देन 1. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. तो अगर मैं बोलूं बेटा ये चौक जो है ना इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0.2 है, तो आप क्या अज्यूम करोगे इसकी डिमांड क्या है? इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, क्या है? इट्स डिमांड इज इनइलास्टिक. रीजन बीइंग कोएफिशिएंट ऑफ ईडी इज लेस देन 1. पूरा बोलना है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, लेस देन 1. अब इसका डिमांड कर्व देखें कैसा होना चाहिए. एनी आइडिया? आइडिया तो लगा सकते हो. नेगेटिवली स्लोप्ड होगा ही होगा. एक फ्लैट बना लिया, एक बिल्कुल इक्विडिस्टेंट बना दिया, तीसरा कौन सा केस रह गया? स्टीप. ठीक है, तो बनवा देती हूं. सबसे पहले मैं अगेन पी इधर लगाइए, पहली लाइन पे पी लगाइए. बेटे मैंने हर बार ही थोड़ी ना बताना है. अच्छा जी, quantity demanded on x axis, price on y axis. पहली लाइन पे ओपी पी ड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है. अब आपने सेकेंड लाइन पे पी वन नहीं ड्रॉ करना, तीन लाइन्स छोड़ के 1, 2, 3 तीन लाइन या दो लाइन या चार लाइन जितनी मर्जी छोड़ दो, ठीक है, जितनी ज्यादा छोड़ोगे उतना बेटर. अब बॉक्स बना लो. व्हेन प्राइस इज ओपी डिमांड इज ओएम. प्राइस बढ़ गई, कितनी हो गई? ओपी वन. डिमांड फॉल होनी चाहिए, हमें क्या शो करना है? फॉल इन डिमांड इज लेस देन फॉल इन प्राइस. तो ये तीन लाइनें हैं, ये एक लाइन, इतना कर दो, ज्वाइन कर दो इनको. इधर ऑनलाइन बेटे समझ में आ रहा है सबको? आरजू, अमीश, अनन्या, आर्यन तो सोया ही होगा, दीपांशु, ईशा, ओके, गर्व, ठीक है. जो बच्चे जाग रहे हैं उन्होंने थम्स अप. अमित, व्हाट अबाउट यू बेटे? ओके, बी जॉइन एंड बी एक्सटेंड इट अ लिटिल बिट फर्दर. ध्यान रखना एक्सिस से एक्सटेंड नहीं कर देना ऊपर. अगर एक्सिस से ज्यादा हो गया तो एक्सिस को एक्सटेंड कर दो.
ये फ्लैट है या नहीं है? फ्लैटर है। सो देख के ही समझ जाना है ये कौन सा डिमांड कर्व है, इनइलास्टिक और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कर्व। स्टीप है, सॉरी मैंने फ्लैट बोल दिया, स्टीप, इट्स स्टीप, सॉरी दिस वॉज फ्लैट, दिस इज स्टीप हाँ जी, वो इक्वी डिस्टेंट है तभी मैंने ड्रॉ रखा हुआ, अभी तक रब नहीं किया, ये इक्वी डिस्टेंट है, दिस इज इक्वी डिस्टेंट, दिस इज फ्लैटर, दिस इज स्टीप, ठीक है। फोर्थ डिग्री, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, पूरी तरह से इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, क्या मतलब समझते हो? प्राइस में चेंज आ रहा है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो लिख लो, अ कमोडिटी इज सेट टू हैव परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड व्हेन विद प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, सॉरी प्राइस, देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। पेन था 10 रुपए का, 100 यूनिट्स आप लोग डिमांड कर रहे थे, पेन हो गया 12 रुपए का, अभी भी आप 100 यूनिट्स डिमांड कर रहे हो, यानी पेन की डिमांड ने बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं किया टू चेंज इन प्राइस, ठीक है, मतलब उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोई चेंज नहीं है, तो क्या कहेंगे उसको, क्या है वो, इन इलास्टिक। लेकिन पिछले वाले केस को भी इन इलास्टिक कह रहे थे, तो चेंज शो करने के लिए क्या कहेंगे, दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक बिकॉज देयर इज नो चेंज इन डिमांड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। प्राइस बढ़ रही है तो भी डिमांड उतनी है, प्राइस कम हो रही है तो भी डिमांड उतनी है। अब इस केस में लॉ ऑफ डिमांड वायलेट हो गया, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहते हैं, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड, प्राइस कम होगी तो डिमांड, यहां पे क्या हो रहा है, प्राइस के बढ़ने या कम होने से डिमांड कांस्टेंट है, तो डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड नहीं होगा, ठीक है। चलो उससे पहले ये अभी बताती हूँ डिमांड कर्व कैसे होगा, पहले ऑर्डर में ही चल रहे हैं, लिख लो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अच्छा ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, देयर इज नो चेंज, ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं, ये फॉर्मूला है, हाउ मच इज चेंज इन प्राइस, मैंने कहा 10 था 12 हो गया यानी 20%, हाउ मच इज चेंज इन डिमांड, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, 0, सो ऐसी कमोडिटी जिसकी डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक है उसका कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, 0, बुक में से देख लेना बेटे प्लीज, क्लियर। जब प्राइस में चेंज आने से डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं आता है उस कमोडिटी की डिमांड क्या होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक, इलास्टिसिटी शोज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, सो व्हेन इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग तो
तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक है. लेट्स सी व्हाट विल बी द डिमांड कर्व ऑफ ए कमोडिटी हैविंग परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. डायग्राम बनाएंगे साथ साथ. पेन ओपी का है, ओपी प्राइस, डिमांड ओएम ज्वाइन करो. प्राइस बढ़ गया, ओपी वन हो गया, डिमांड ओएम. ए और बी ऑलरेडी ज्वाइंट हो गए, इसको एक्सटेंड कर दो. ये आ गया आपका डिमांड कर्व डी एम के नाम से. स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, जिसको हम वर्टिकल कर्व भी कह देते हैं.